get a Hummer from Bilbo. I'm ready for prom. दोस्तों, क्या आपको मालूम है कोमा में जाने के बाद क्या होता है और कोमा में इंसान क्या देखता है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कोमा में जाने की वजह क्या होती है। दरअसल मौत एक ऐसी घटना है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी तो घटती ही है। हालांकि जब कोई अचानक से हमसे दूर चला जाता है तो उसका झटका कुछ ज्यादा ही लगता है। हालांकि इन सभी के बावजूद हम सभी यही सुनते हैं कि ये शख्स कोमा में चला गया तो हमें दुख होता है। जहां अधिकतर ऐसा ही होता है कि कोमा में जाने के बाद लोग वापस लौट कर नहीं आते हैं, ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कोमा होता ही क्या है और इस अवस्था में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोमा क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद में। ऐसे में कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जा सकता है और ऐसा तब होता है जब दिमाग पर कोई गंभीर चोट लगती है या फिर किसी और कारण से दिमाग के अंदर रक्त संचार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इस हालत में मरीज का दिमाग तो सो जाता है या मर जाता है, पर दोस्तों शरीर पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है। पर कोमा में गए इंसान को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता, क्योंकि कानून की नजर में इंसान तब जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। और इस चीज की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका माध्यम भले ही हमारी आँख, नाक, कान वगैरह वगैरह हो, लेकिन ये सभी चीजें समझने की योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग है। क्योंकि आँखें तो बस आईना या कैमरे की तरह है, उस पर सिर्फ प्रकाश पड़ता है, लेकिन उस प्रकाश से तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग बनाता है। ठीक वैसे ही कान में जब कोई ध्वनि पहुंचती है तो कंपन होता है, लेकिन उस कंपन से आवाज भी शब्द बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के पास है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जब तक जीवित हैं, जब तक हमारा दिमाग कार्य कर रहा है, और जैसे ही हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हम भले ही चाहे जितने अमीर हो या प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसे में शरीर के बाकी सभी अंग सहायक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग मर जाएगा तो हमें किसी भी तरह से जीवित नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये सब तो कानूनी बात है, पर अगर हम विज्ञान के तौर पर बात करें तो दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि में किसी भी इंसान को मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसके दिल की धड़कन चलनी बंद हो जाए, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी जीवित नहीं रह सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो इस बात की कम आशा है कि वो वापस से जीवित हो पाए, लेकिन अगर किसी की धड़कनें रुक गई तो उसे वापस जिंदा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। और इसी वजह से विज्ञान की नजर में दिल की धड़कन रुक जाने पर ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। और अगर सभी चीजों को क्रम में रखें तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, फिर शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह रुकता है, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब ये काम उल्टा हो जाता है तो कोमा कहलाता है, जिसमें दिल की धड़कन रुकने से पहले ही दिमाग ठप पड़ जाता है। दोस्तों, कोमा को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, बेहोश व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती और इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है, और दूसरी वो श्रेणी होती है जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। ऐसे में जिन व्यक्तियों के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, उस अवस्था में इंसान के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हाँ, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि इंसान ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर लोग मृत्यु को ही प्यारे हो जाते हैं। कोमा में जाने के बाद क्या होता है? लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कोमा के दौरान हलचल या गतिविधियाँ चलती रहती है, वो लोग वक्त रहते सही भी हो जाते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने जितने भी कोमा से ठीक हुए केस देखे होंगे, उसी श्रेणी में आते हैं जिनका दिमाग कोमा में होने के बावजूद हलचल कर रहा होता है। दोस्तों, इस अवस्था में लोग सपने भी देखते हैं और आप उनसे जो बातचीत करते हैं वो जरूर सुन भी सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जहां पर कोमा से निकलकर वापस जिंदा होने वाले लोगों ने ये बोला कि कोमा किसी नर्क से कम नहीं है, जिसमें एक व्यक्ति का तो ये भी कहना था कि कोमा के दौरान उसे महसूस होता था कि उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं है, साथ ही हर तरफ बर्फ भी गिर रही है और उन्हें जबरदस्त ठंड भी लगती है। हालांकि हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को कोमा में जाने के बाद वैसे ही महसूस होता है जैसा मरकर वापस लौटने वाले लोगों को होता है, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हालांकि कोमा किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि ये मस्तिष्क पर किसी चोट का परिणाम है। दिल का दौरा या मस्तिष्क आघात के अलावा शराब के साथ किसी तरह का नशा मिलाकर लेना भी इंसान को कोमा में ले जा सकता है। शुगर के मरीज को भी कोमा में जाने का खतरा रहता है।
अगर उसका शुगर लेवल एकदम से घट या बढ़ जाए, ट्यूमर, दिमाग का संक्रमण और खतरनाक गैसों के बीच रहना भी कोमा में जाने की वजह बन सकता है। वैसे 50% से ज्यादा कोमा की वजह मस्तिष्क पर गहरा आघात होती है। 18वीं सदी से पहले डॉक्टरों के पास इसका अनूठा तरीका था। वे मरीज का नाम लेकर जोरों से पुकारते। अगर कई बार नाम लेने के बाद भी मरीज की आंखें ना खुल सके और ना कोई हरकत हो तो उसे कोमा में मान लिया जाता था। अब कोमा की जांच के लिए ग्लासगो कोमा स्केल नाम का उपकरण है। ये 3 चीजों के जरिए जांच करता है, आंखों का खुलना या फड़कना, किसी बात पर प्रतिक्रिया और आवाज पर कुछ कहना। इन तीनों मानकों पर स्कोर दिए जाते हैं। स्कोर जितना कम होगा, माना जाता है कि मस्तिष्क पर आघात उतना ज्यादा है, यानी कोमा से बाहर आने की संभावना उतनी ही कम है। कोमा अमूमन कुछ हफ्तों से लेकर सालों तक का भी हो सकता है। कोमा से लौटना एकदम से नहीं होता, बल्कि कई चरणों में धीरे धीरे मरीज नॉर्मल होता है। कोमा भी 2 तरह का हो सकता है। पहला है वेजिटेटिव स्टेट, जिसमें इंसान की आंखें खुली होती हैं, लेकिन उसे अपना या आसपास का कोई होश नहीं होता है। दूसरा है मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। इस श्रेणी का मरीज कभी किसी बात पर न्यूनतम प्रतिक्रिया देता है तो कभी बिल्कुल नहीं दे पाता। कोमा अब भी चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इस पर लगातार शोध चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कोमा में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है और क्या नहीं। और हम तो हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि ईश्वर इंसान को किसी भी अवस्था में क्यों ना भेज दे, लेकिन कभी उसे कोमा में ना जाना पड़े, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। बाकी क्या कभी आपके किसी सगे संबंधी ने कोमा जैसे खतरनाक अवस्था का सामना किया है? अगर हाँ, तो उस शख्स के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।